यूपी टीवी न्यूज पर फरुखाबाद से बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। खबर की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, अतिक्रमण पर गरज रहे बुलडोजर में लगी भीषण आग। गुरुवार को अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा, चाहे दुकान, पटिया, जीना या दीवार, सभी कुछ ढहा दिया गया। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था वैसे वैसे शहर का तापमान भी बढ़ रहा था। बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर रहा था कि अचानक बुलडोजर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। गलीमत रही कि आग समय रहते बुझा ली गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर में आग लगी हुई है। आपको बता दें, नगर मजिस्ट्रेट ईओ रविंद्र कुमार के नेतृत्व में बुलडोजर अभियान चौक तक चला। जो भी अतिक्रमण बुलडोजर के सामने आया उसने कुछ ही देर में जमीन पकड़ ली। बुलडोजर वापस हो रहा था, उसी दौरान अचानक बुलडोजर बिजली के खुले तारों के संपर्क में आ गया। देखते ही देखते बुलडोजर में आग लग गई। आग लगते ही चालक आलोक और उस पर बैठे राम लखन, सरनाम सिंह, गुड्डू, सुभाष आदि लोग कूद गए, जिससे वह सभी बाल बाल बच गए। नगर पालिका कर्मियों ने मिट्टी आदि से आग बुझाने का प्रयास किया, जिसके बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरों में देखिए किस तरह से बुलडोजर में भीषण आग लगी हुई है और नगर पालिका के कर्मचारी बुलडोजर की आग बुझाने में व्यस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, फरुखाबाद। हादसा होते होते बचा, हादसा तो नहीं कहेंगे लेकिन मशीन भी है, शॉर्ट सर्किट से पूरी आग लगी थी, इसको काबू पा लिया। मैडम मशीन चालक को कोई घायल वगैरह कुछ चोट वगैरह आई है? नहीं, कोई आग से वजह से दिक्कत हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मशीन अभी भी चालू है।